राजा पहाड़ी शिव मंदिर परिसर में एक माह तक चलने वाला श्रावणी मेला के लेकर तैयारी शुरू हो गई है। मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। यहाँ का श्रावणी मेला देखने योग्य होता है। बड़ी संख्या में सीमावर्ती राज्यों से भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। 22 जुलाई को प्रथम सोमवारी को श्रद्धालु अपना पहला जल नर्मदेश्वर महादेव के ऊपर जलाभिषेक करेंगे। मंदिर निर्माण समिति के सचिव नंदलाल प्रसाद ने कहा कि प्रथम सोमवार को जिला जज सरिद्धेश्वर मणि त्रिपाठी के द्वारा महारुद्राभिषेक किया जाएगा। श्रद्धालुओं को आने में कठिनाई न हो इसके लिए हर जगह सदस्य तैनात रहेंगे। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को शुद्ध जल का उत्तम प्रबंध किया जा रहा है। उन्होंने कहा नर्मदेश्वर महादेव के दर्शन के पश्चात सभी लोगों के लिए महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार का प्रसिद्ध मेला भी लगाया जा रहा है। इस बार सोमवार को लेकर क्या तैयारी है? तैयारी है, वो पहला सोमवार के दिन जब साहब आएंगे तो मेला का उद्घाटन करेंगे और यहाँ लाइट बत्ती का और ध्वनि का सब प्रबंध है और यहाँ जो है रुद्राभिषेक लास्ट सावन के त्रयोदशी के दिन होता है रुद्राभिषेक। तैयारी के संबंध में श्रावणी उत्सव जो 22 तारीख से हम लोग मनाने जा रहे हैं प्रथम सोमवार के अवसर पर, उस दिन हम लोग श्रद्धालुओं को आने में कठिनाई न हो उसके लिए अपने मेंबर को हर जगह तैनात रहेंगे, उनको कठिनाई का सामना जो है न करने पाए इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। उनके जो है आने पर शुद्ध जल मिले इसके लिए भी हम लोग तत्पर हैं और हम चाहेंगे कि अपने भोले शंकर को दर्शन करने के बाद महाप्रसाद का भी वितरण होगा। महाप्रसाद का वितरण के बाद जलपान का भी व्यवस्था है और यही सब तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। मेला वगैरह का मेला भी जो है जो आया है वो भी अपना जो कंप्लीट कर रहा है। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।